प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बोलती है कि टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पर क्या रहती है, सेम। ऐसा हमने किया सर्कुलर में भी किया, कंडीशन अप्लाइड जब फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो, फ्रिक्शन के केस में एनर्जी कंजर्व नहीं होती, वेस्ट हो जाती है। तो आप कहोगे फिर सर्कुलर मोशन में किया, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन सोचो, सर्कुलर में पेंडुलम के केस किए थे जब एनर्जी कंजर्व करते थे, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल ग्रेविटी के इफेक्ट में चलता है, इसीलिए किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर एनर्जी का सम क्या होता है, कॉन्स्टेंट। हर जगह कॉन्स्टेंट नहीं होता क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, उसमें चलता है। क्लियर है यहां तक? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही बताता है कि इट स्टेट दैट इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस, स्टार्ट ही उसने किया कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क ऑन द बॉडी, जैसे ग्रेविटी की फोर्स है, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो इसका प्रूफ दो तरीके से किया हुआ है, एक तो मैथमेटिकल प्रूफ है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो मैथमेटिकल रहेगा, एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा ईजी है। तो मैथमेटिकल ये कहता है कि जो चेंज इन, यहाँ से शुरू करना है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, माइनस डब्ल्यू, ये हमने किया राइट। और जो वर्क डन है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने किया, ये हमने किया था। वर्क डन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एफ इनटू डेल्टा एक्स, एफ पुट कर दो, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स पुट कर दो, एक ही बात है। क्या स्टेप क्लियर है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यानी कि डेल्टा यू इज माइनस डेल्टा के, और डेल्टा के इधर आ गया तो इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो। डेल्टा के क्या होता है, फाइनल काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक, डेल्टा यू क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल। तो इनिशियल इनिशियल वाली टर्म राइट पे ले जाओ तो क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि सम ऑफ एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर विल रिमेन सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है। अगर आपके पेपर में आए कि शो दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज अ कॉन्स्टेंट, तो उस प्रूफ को करना चाहो वैसे कर दो, नहीं तो सबसे बेस्ट प्रूफ ये है, बहुत आसान प्रूफ है। वो कहता है कि शो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट।